नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक खेलों में इतिहास रचा। योगेश कथोनिया ने पुरुषों की चक्का फेंक स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया ने रजत पदक और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर पैरा एथलीटों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझरिया, सुंदर सिंह गुर्जर और योगेश कथोनिया से टेलीफोन पर बात कर बधाई दी। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक ने पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन की सराहना की। सफलता का श्रेय सरकार की लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना को दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की अफगानिस्तान की स्थिति पर पैनी नजर, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 1 सितंबर से खोलने के लिए विशेष मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 63,43,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। सरकार ने कोविड 19 वैक्सीन, ऑक्सीजन से संबंधित उपकरण और अन्य राहत सामग्रियों के आयात पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में छूट की सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले में सीमापार से आया आतंकवादी मारा गया और जन्माष्टमी का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं कनकलता। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। पैरालंपिक खेलों में आज का दिन भारत के लिए स्वर्णिम रहा। भारत ने आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। ब्यौरा हमारे खेल संवाददाता सिद्धार्थ सिंह से। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में अवनी 249.6 अंकों के साथ शीर्ष पर रही। उन्होंने पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाने के साथ विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी की है। पुरुषों के डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर चक्का फेंक कर रजत पदक देश के नाम किया। भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झांझरिया ने 64.35 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता। वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने 62.58 मीटर भाला फेंक कर कांस्य पदक देश के नाम किया। इससे पहले कल भारतीय खिलाड़ियों ने 2 रजत और 1 कांस्य के साथ 3 पदक देश के नाम किए थे। आज दिन में 3:30 बजे भाला फेंक स्पर्धा में सबकी निगाहें पदक की उम्मीद सुमित और संदीप पर होंगी। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर 34वें स्थान पर है। चीन पहले, ब्रिटेन दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीतने पर योगेश कथोनिया को और भाला फेंक में रजत पदक के लिए देवेंद्र झाझरिया, जबकि कांस्य पदक जीतने पर सुंदर सिंह गुर्जर को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि इन पैरालंपिक खिलाड़ियों द्वारा देश का गौरव बढ़ाने पर उन्हें बड़ी खुशी हुई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझरिया को रजत और सुंदर सिंह गुर्जर को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि हमारे भाला फेंक खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनकी सफलता पर प्रसन्न है। श्री नायडू ने उन्हें उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में आज पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने निशानेबाजी में अवनी लेखरा के स्वर्ण पदक जीतने पर अपने ट्वीट संदेश में लिखा है कि अवनी का ये शानदार प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि अवनी की कड़ी मेहनत का नतीजा सामने आया है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय खेलों के ये विशेष क्षण हैं। श्री मोदी ने अवनी से फोन पर बात कर कहा कि इस जीत पर देश को गर्व है। अवनी ने पूरे देश से मिले समर्थन पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीतने वाले योगेश कथुनिया को भी बधाई दी। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि योगेश ने शानदार प्रदर्शन किया और उनके रजत पदक जीतने पर पूरा देश खुश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अनुकरणीय सफलता से युवा एथलीटों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने योगेश को उनके भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पदक जीतने के बाद योगेश से फोन पर बात कर शुभकामनाएं दी और इसे सफलता के लिए योगेश की मां के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने देवेंद्र झाझरिया को भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि हमारे एक सबसे अनुभवी एथलीट देवेंद्र झाझरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र देश को लगातार गौरवान्वित कर रहे हैं। श्री मोदी ने भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने देवेंद्र से टेलीफोन पर बात कर उनके अथक प्रयासों की सराहना की और कहा कि आप महाराणा प्रताप की भूमि से हैं और आप भाला फेंकते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भाला फेंक में कांस्य पदक जीतने पर सुंदर सिंह गुर्जर को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके पदक जीतने पर देश भर में खुशी का माहौल है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने उल्लेखनीय साहस और समर्पण का परिचय दिया है। सुंदर सिंह से टेलीफोन पर बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने सुंदर काम कर दिया। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक ने टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन की सराहना की है। टोक्यो से आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में दीपा मलिक ने देश को गौरवान्वित करने के लिए पदक विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे खिलाड़ी पैरा बैडमिंटन, तीरंदाजी, निशानेबाजी तथा अन्य स्पर्धाओं में और भी पदक जीतेंगे। जो भी मेडल आ रहा है वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आ रहा है, वर्ल्ड रैंकिंग्स के साथ आ रहा है और जो भी मेडल जीत रहे हैं वो दूसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स को हिलाकर अपनी जगह बना रहे हैं, चाहे वो निशाद का हाई जंप हो, चाहे भवीना का टेबल टेनिस का मेडल हो। और योगेश खतुनिया ने भी आज सिल्वर जीता है। अवनी ने तो बिल्कुल ही कमाल ही कर दिया, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी है आज। और देवेंद्र झाझरिया ने तो खैर उनका तो नाम लेते ही एकदम सम्मान से मस्तक झुक जाता है। सुश्री मलिक ने भरपूर सहयोग देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय पैरा एथलीटों का ऐतिहासिक प्रदर्शन सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के कारण संभव हो पाया है। बहुत ही खुश हूं और बहुत ही एक प्रेसिडेंट होने के नाते अपने खिलाड़ियों पे बेहद गर्व महसूस कर रही हूं कि जो मेहनत उन्होंने अपनी दी, जिस प्रकार से उनके कोचेज ने और उनकी फंडिंग ने, उनकी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो लगातार उनके साथ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम चलती रही, वो सब मिलकर आज उनके मेडल के रूप में जब आगे आ रही है, बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं और मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूं हर खिलाड़ी का। राजस्थान सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की है। अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़, देवेंद्र झाझरिया को रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ और सुंदर सिंह गुर्जर को कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने राजस्थान के इन पदक विजेताओं के बारे में जानकारी दी। अवनी जब 11 साल की थी तो एक सड़क हादसे से उनका पूरा जीवन बदल गया। उनके कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया और वे व्हील चेयर पर आ गईं। उनके पिता प्रवीण लेखरा ने अवनी का हौसला बढ़ाया और माँ हर कदम पर उनके साथ रही। उन्होंने शूटिंग और आर्चरी दोनों में अपने हाथ आजमाए, लेकिन अंत में शूटिंग को अपना करियर बनाया और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे राजस्थान विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रही हैं। झुंझुनू के देवेंद्र झाझड़िया पहले भी पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, जबकि करौली के सुंदर गुर्जर ने पहले ही पैरालंपिक में कांस्य पर निशाना साधा है। इन खिलाड़ियों ने अपनी उपलब्धि से पूरे देशवासियों का मान बढ़ाया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
पैरालंपिक खेलों में शारीरिक या बौद्धिक रूप से दुर्बल खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने का अवसर मिलता है। पहले पैरालंपिक खेलों में दृष्टिबाधित, दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी और लकवा से पीड़ित व्यक्तियों ने प्रतिस्पर्धा की थी। 1960 में इटली के शहर रोम में इसका पहली बार आयोजन हुआ था, जिसमें 23 देशों के 400 एथलीट शामिल हुए थे। तब से ये हर चार साल में होते रहे हैं। 1976 में पैरालंपिक इतिहास में पहला शीतकालीन खेल स्वीडन में आयोजित किया गया था और ग्रीष्मकालीन खेलों की तरह हर चार साल में इसका आयोजन होता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति ने सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर दिए हैं और भारत लगातार इस पर नजर रखे हुए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीयों की सुरक्षा के साथ सरकार ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि अफगानिस्तान में स्थिति का फायदा उठाते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतें सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा न दें। श्री सिंह आज एक व्याख्यान में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे। पंजाब विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया था। सीमा सुरक्षा के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत विरोधी कई ताकतों ने भारत में अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम उल्लंघन करने पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हमेशा करारा जवाब दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हम न राजनीति करते हैं न होने देते हैं, इसलिए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों में यह भरोसा पैदा हुआ है कि राष्ट्र रक्षा के कर्तव्य पालन में उन्हें खुली छूट रहेगी और इससे सेना और सुरक्षा बलों का आत्मविश्वास और मनोबल इतना ऊंचा हुआ है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 7 सालों में भारत के हिंटरलैंड में एक भी बड़ी आतंकवादी घटना उन्होंने नहीं होने दी। जम्मू कश्मीर में आज तड़के एक आतंकवादी मारा गया। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल दविंदर आनंद के अनुसार जम्मू डिवीजन के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा से आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन सतर्क सुरक्षा बलों की गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया। आतंकवादी के पास से एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई। गोलीबारी अब भी जारी है, ब्यौरे की प्रतीक्षा है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 63,43,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 31,14,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.51% है। इस दौरान 34,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3,19,23,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कल 42,000 से अधिक नए मामले दर्ज हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 3,76,324 रह गई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 63,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। आने वाले दिनों में 21,76,000 से अधिक टीके और भेजे जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस समय 4,87,00,000 से अधिक टीके मौजूद हैं। केरल में कोविड रोगियों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में आज रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की है। राज्य में कल 31,265 कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 153 मरीजों की इससे मौत हो गई। सरकार ने कोविड वैक्सीन, ऑक्सीजन संबंधी उपकरण सहित कोविड के उपचार में उपयोग होने वाली सामग्रियों के आयात पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में छूट की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।
दिल्ली सरकार ने स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इन संस्थानों को पहली सितंबर से चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जाएगा। एक रिपोर्ट। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए कक्षाएं 50% क्षमता के साथ संचालित करने का निर्देश दिया है। आपात स्थिति के लिए स्कूल और संस्थानों के परिसर में क्वारंटीन कक्ष होना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। दो पालियों के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर होना अनिवार्य है। विद्यार्थियों से भोजन, पुस्तकें और अन्य स्टेशनरी सामान साझा न करने को कहा गया है। स्कूलों और संस्थानों के प्रमुखों को नियमित रूप से कक्षाओं, कॉमन एरिया और प्रवेश द्वार को सैनिटाइज करने की सलाह दी गई है। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर और बच्चों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर रोक 30 सितंबर तक बढ़ा दी है, लेकिन सक्षम अधिकारी की अनुमति से हरेक मामले की स्थिति के आधार पर कुछ चुनिंदा मार्गों पर निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन हो सकता है। भारत में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष 31 मार्च से बंद हैं, लेकिन वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं। तमिलनाडु के कृषि मंत्री एमआरके पनीर सेल्वम ने केंद्र से यूरिया और डीपीए उर्वरक उपलब्ध कराने तथा तमिलनाडु और पुदुचेरी बंदरगाहों के माध्यम से उर्वरकों के आयात करने का आग्रह किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि वर्तमान में कुरुवाई फसल बुआई का समय है, इसलिए 4,90,00,000 एकड़ भूमि पर उर्वरक की आवश्यकता है। अपने पत्र में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि राज्य को आवंटित 3,08,00,000 मीट्रिक टन यूरिया में 2,56,00,000 मीट्रिक टन यूरिया ही दिया गया है। उन्होंने कहा कि 25,40,00,000 एकड़ कृषि भूमि के लिए उर्वरक की आवश्यकता है। और अब संस्कृति संदेश, ये समर्पित है गीतकार शैलेंद्र को। आज गीतकार शैलेंद्र की जयंती है। पश्चिमी पंजाब के रावलपिंडी शहर में 30 अगस्त 1923 को जन्मे शंकर दास केसरी लाल उर्फ शैलेंद्र का परिवार बचपन में ही रावलपिंडी छोड़कर मथुरा चला आया। आम मध्यम वर्गीय युवाओं की तरह शैलेंद्र ने भी 1947 में अपने करियर की शुरुआत मुंबई में रेलवे की नौकरी से की। बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि शैलेंद्र भी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और अपनी कविता के जरिए लोगों में जागृति पैदा करने लगे। उन दिनों उनकी एक कविता जलता है पंजाब बहुत लोकप्रिय हुई। ऐसे ही एक कवि सम्मेलन के दौरान शैलेंद्र की मुलाकात राज कपूर से हुई। राज कपूर ने शैलेंद्र से अपनी फिल्मों के लिए गीत लिखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन शैलेंद्र ने उनकी पेशकश ठुकरा दी। बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि शैलेंद्र ने राज कपूर के साथ काम करना स्वीकार कर लिया। गीतकार के रूप में शैलेंद्र ने अपना पहला गीत 1949 में प्रदर्शित राज कपूर की फिल्म बरसात के लिए लिखा। इसके बाद शैलेंद्र राज कपूर के चहेते गीतकार बन गए। शैलेंद्र और राज कपूर की जोड़ी ने कई फिल्में एक साथ की। शैलेंद्र को उनके लिखे यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों के गीतों के लिए 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। शैलेंद्र ने 1966 में तीसरी कसम का निर्माण किया। तीसरी कसम फिल्म तो अच्छी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफल न हो सकी। इसकी असफलता के बाद शैलेंद्र को गहरा सदमा पहुंचा। दोस्तों की बेरुखी और फिल्म की असफलता वे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 13 सितंबर 1966 को अस्पताल जाने से पहले उन्होंने राज कपूर को बुलाकर उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर के गीत जीना यहाँ मरना यहाँ को पूरा करने का वायदा किया, लेकिन ये वादा अधूरा ही रह गया और अगले ही दिन 14 दिसंबर 1966 को शैलेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक खेलों में इतिहास रचा। योगेश कथुनिया ने पुरुषों की चक्का फेंक स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में देवेन्द्र झाझरिया ने रजत पदक और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा एथलीटों को पदक जीतने पर बधाई दी। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक ने भारतीय एथलीटों की सफलता का श्रेय सरकार की लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना को दिया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 63,43,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण के अंश के साथ आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति धरोहर। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी और ओडिशा के दिवंगत मुख्यमंत्री विनायक आचार्य की। इनका जन्म 30 अगस्त 1918 को ओडिशा के बरहमपुर में हुआ था। इन्हें प्यार से ओडिशा का अजात शत्रु कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों का ही नहीं दुश्मनों का भी दिल जीत ले। खद्दरधारी विनायक आचार्य सीधे साधे और मृदुभाषी व्यक्ति थे। विनायक आचार्य ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन का बरहमपुर पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने ओडिशा के चहुमुखी विकास के सभी चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक योगदान की विशेष सराहना की जाती है। वे अपने हेडमास्टर पिता रघुनाथ आचार्य और समकालीन साहित्यकार रामचंद्र आचार्य से अत्यधिक प्रभावित थे। तू ही माता नामा भूमि पवित्र भारत भूमि तोहरा संताना अंगे अटूट रहे। विनायक स्वच्छंद प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और ब्रिटिश शासन में सरकारी नौकरी करने में उनकी कभी कोई रुचि नहीं रही, इसलिए हिंजलीकट में गैर सरकारी हाई स्कूल में नौकरी करने लगे। बाद में वे बरहमपुर नगर निगम हाई स्कूल में सहायक शिक्षक नियुक्त हुए। दृढ़ता उनका प्रमुख गुण था और वे अपने क्षेत्र में बहुत विश्वसनीय और व्यवहारिक नेता थे। समाजवाद की तरफ आकर्षित विनायक आचार्य सच्चे गांधीवादी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जरूरी सूचना पहुंचाने के लिए संदेशवाहक का कार्य किया। प्रसिद्ध गांधीवादी और ओडिशा में केंद्रीय गांधी स्मारक निधि के न्यासी डॉक्टर विश्वजीत रॉय ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में महान स्वाधीनता सेनानी विनायक आचार्य के योगदान को याद किया। जब अंग्रेज भारत छोड़ो कार्यक्रम शुरू हुआ और उसमें पूरा देश के साथ साथ ओडिशा भी उस आंदोलन में कूच पड़ा, उसी समय में विनायक आचार्य जी और उनके बड़े भाई सत्यनारायण आचार्य जी, ये दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। जो संग्रामी जेल जाते थे उनके परिवार को मदद करने का काम किया। स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब देश को आजादी मिली, शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। विनायक आचार्य ने ओडिशा की शैक्षिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
वे अच्छे शिक्षक के रूप में लोकप्रिय थे। उन्हें बरहमपुर और गंजम जिले के ही नहीं बल्कि संपूर्ण ओडिशा के विद्यार्थी पसंद करते थे। सभी उन्हें प्रेम से बीनू मास्टर कहते थे। इस दौरान उन्होंने समाज के वंचित लोगों की सहायता के लिए नवोत्कल सेवा संघ का गठन किया। उन्हीं की पहल से गरीब विद्यार्थियों के सहायता के लिए हरिदाखंडी मठ की स्थापना हुई। उन्होंने दलित समाज के हित के लिए भी कार्य किए और उनके साथ भोजन करके नई परंपरा शुरू की। शिक्षा के विकास, देश की संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और वर्गभेद के उन्मूलन के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। 1976 से 1977 तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विनायक आचार्य ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और पूरे प्रयास किए कि बच्चे स्कूल की पढ़ाई बीच में न छोड़ें। 11 दिसंबर 1983 को आचार्य का निधन हो गया, लेकिन उनके कार्य आज भी प्रेरणा बने हुए हैं। राष्ट्र हित में निस्वार्थ सेवा भाव के लिए विनायक आचार्य लोगों के दिलों में आज भी जीवित हैं। समाज सुधारों के लिए उनका उत्साह लोगों को सदैव समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। जन्माष्टमी का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। चरण गहिए श्री कृष्ण शरण गहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब एक नज़र आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के चार महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तरी भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल और अगरतला, गैंगटॉक तथा ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक खेलों में इतिहास रचा। योगेश कथुनिया ने पुरुषों की चक्का फेंक स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया ने रजत पदक और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर पैरा एथलीटों को बधाई दी। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक ने भारतीय एथलीटों की सफलता का श्रेय सरकार की लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना को दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की अफगानिस्तान की स्थिति पर पैनी नजर, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थानों को खोलने के लिए विशेष मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले में सीमापार से आया आतंकवादी मारा गया और जन्माष्टमी का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।